एक्शन। छोड़ यार, तो हौसला ही तोड़ी है। मैं हंसता खेलता उसके घर पहुंचा, सोचा चीकू को छोटा सा सरप्राइज दूंगा, लेकिन मुझे क्या पता कि वो कहीं पे पहले से किसी और के साथ होगी। साला जाके देखा तो एक बेस्ट फ्रेंड साथ बैठी थी। कहने लगे रे जानू, उसका ब्रेकअप हो गया उसके साथ, अब क्या पता क्या करेगा वो। तो इसके लिए ना मैं चेकअप वगैरह कर लेके आई। कहने उसके माँ बाप फोन आया था कि कहने लगे कि बेचारा कितने टाइम से रो रहा है। अरे मुझे समझ में नहीं आता है कि ये लड़कियाँ बेस्ट फ्रेंड आती कहाँ से। तुमने कभी सुना है कि मेरी कोई बेस्ट फ्रेंड है, लड़की बेस्ट फ्रेंड है, कि मैं उसे घंटों बाद बता रहा हूँ? मैं बोलते लड़के होते कैसे और लड़कियाँ आते कहाँ से? और ये तो सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट होता है यार, क्योंकि जब समझ में आता नहीं लड़कियों को तो फिर भी बेस्ट फ्रेंड बनाना चाहिए यार। ये लड़के को मिलता कहाँ से बेस्ट फ्रेंड? लेकिन जब देखो ना लड़के को तो समझ में आएगा नहीं इज माई बेस्ट फ्रेंड, इज माई जानू। अरे जानू मैं हूँ तो वो कौन है फिर? वो जानू कभी ये बॉयफ्रेंड कभी वो। अरे बाबा लड़कियाँ एक चीज नहीं पकड़ती है, बार बार पकड़ती है, बार बार। इसको देखो ये पसंद आया, उसको देखो वो पसंद आया। अरे कभी एक पे तो रहा करो, तब समझ में आएगा ना प्यार क्या होता है, कि प्यार का मतलब क्या है, तब पता लगेगा तुमको प्यार चीज की मायने क्या होती है। लेकिन नहीं, इनको तो कभी इसके पास जाना है तो कभी उसके पास जाना है। मेरा जानू मेरा बॉयफ्रेंड, इसके पास बाइक है, उस पास घर है। अरे घर बाइक के पीछे छोड़ो, दिल के पीछे जाओ, तब पता चलेगा जानू कि प्यार क्या होता है। तुमको तो क्या बस कभी यहाँ कभी वहाँ, आज सुबह यहाँ मिलोगे कल शाम में वहाँ। तुम्हारे इन लड़कियों को ना कोई फायदा नहीं कि कितने लड़के आए कितने लड़के जाए, पर हाँ लेकिन लगता है कि जब अगर लड़की को प्यार होता है ना तो दिल वाला नहीं होता है, ये तो सिर्फ ऊपर वाला प्यार होता है, ऊपर वाला। ये सारे कभी इनके पास जाएंगे कभी उनके पास जाएंगे, तू देख ले वो बाजू वाले को देख ले चल माना।